देश के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है, आप भी देखें। ये रिपोर्ट बहुत चश्मकुशा है, आंखें खोल देने वाली है, परेशान करने वाली है और तकलीफ देह भी है। ये रिपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस पर है, ये रिपोर्ट ठेला गाड़ी वगैरह चलाने वाले लोगों पर है, जो छोटे छोटे बिजनेस लेकर के घूमते हैं उनकी है, जो सेल्फ एम्प्लॉयज के लोग हैं उनकी है। उनकी क्या दुर्दशा है, उनकी क्या हालत है, ये रिपोर्ट उसको दर्शाती है। ये रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो की है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इसमें यह बताया गया है कि 30% लोगों ने 2019 के मुकाबले 2020 में ज्यादा खुदकुशी की है। खुदकुशी की क्या वजह है वो भी बताई गई है कि स्मॉल बिजनेसेस सारे तबाह हो गए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज खत्म हैं, उनका सब कुछ गंवा बैठे हैं। वो छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं उनकी भी हालत खस्ता हो गई है। इस चक्कर में 2020 में खुदकुशी रेट तकरीबन 30% बढ़ गया है। ये सिर्फ उन लोगों की रिपोर्ट है जो स्मॉल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयज हैं या वेंडर्स हैं। बाकी के रिपोर्ट के इसमें तस्करा नहीं है। स्टेट वाइज बताया गया है कि कितने कितने लोग कहां कहां खुदकुशी किए, लेकिन नेशन वाइड यानी मुल्की सतह पर 30% खुदकुशी में इजाफा हुआ है। जाहिर है लॉकडाउन में सबने अपना बिजनेस खो दिया, सबने अपनी जॉब खो दी, जो छोटा मोटा कुछ भी कर रहे थे वो कमाई का जरिया खत्म हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने स्टेट में खुदकुशी कर ली। इसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं और बहुत सारे लोग भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। वो इस हवाले से कि जिन्होंने भी खुदकुशी की है वो आपके पड़ोसी रहे होंगे, आपके रिश्तेदार रहे होंगे, आपके जानने वालों में रहे होंगे, लेकिन आप उनसे इस कदर पे खबर रहे, आपने उनकी इतनी भी खबर नहीं ली, वो इतने तन्हाई के शिकार हो गए, वो इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आप उनके दोस्त भी हो सकते हैं जिन्होंने खुदकुशी की, आप उनके माँ बाप भाई बहन में से किसी कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने खुदकुशी की, आप उनके पड़ोसी हो सकते हैं जिन्होंने खुदकुशी की। क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक इंसान सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ले कि उसका बिजनेस तबाह हो गया? एक इंसान सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ले कि उसके पास कमाने खाने का कुछ नहीं रह गया? इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? हम कहने को तो हमने बहुत तरक्की कर ली है, कहने को तो हमारा बहुत विकास हो गया है, हमारा देश बहुत आगे पहुंच गया है, हम इंसान बहुत आगे निकल गए हैं, हैवानों से भी कहीं ज्यादा निकल गए हैं, जानवरों से भी बहुत आगे निकल गए हैं, सब हम हर तरह की बात करते हैं कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, हमारा इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हम इतने जदीद दौर में आ चुके हैं, हम इतने नए दौर में विकसित दौर में हैं, सब कुछ कहने की बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारी इंसानियत ही विकसित नहीं हुई, हमारी मानवता ही विकसित नहीं हो सकी, तो ऐसी चीजों के विकसित होने का क्या माना है, इसके क्या मतलब है? सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं सरकारों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि सरकारों पर आमतौर से बात होती रहती है। आप देखें, आपका पड़ोसी अगर खुदकुशी करता है तो क्या आपका उसमें हाथ नहीं है? आपकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप पड़ोसी होने के नाते कभी ये अपने पड़ोसी से नहीं पूछ सकते कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी हालत कैसी है, वो किस कंडीशन में जी रहा है? अगर आप इतना नहीं पूछ सकते तो पड़ोसी क्यों है? हम इतनी सारी नफरतों से भरे हुए हैं कि हमें ऐसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, या हम ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है, और हम इतने दिखावे और ऐसे ऐसी चीजों के उठाए फिर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़े दाता बनते हैं, देने वाले बनते हैं, बहुत मदद करने वाले बनते हैं। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, फेसबुक पर चले जाइए, कहीं भी आपको हर जगह कोई किसी की मदद करता हुआ मिल जाएगा, कहीं कोई किसी की मदद करते हुए सेल्फी डालता हुआ मिल जाएगा। अभी ठंडी का मौसम आ रहा है,
रजाई, गद्दा, कंबल बांटते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं ऐसे वक्त में, जो जाकर के सड़कों पर रजाई गद्दा बांट रहे होते हैं, कभी किसी को खाना पानी बांट रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हर इंसान अपने पड़ोसी की खबर ले ले, अपने रिश्तेदार की खबर ले ले, अपने दोस्तों से जुड़ा रहे, अपने जानने वालों को पूछता रहे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर यही कर लें तो सबके मसले हल हो जाएंगे, सबकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, किसी को खुदकुशी की नौबत नहीं आएगी। दूसरे लोगों की मैं बात नहीं करता, लेकिन मुसलमानों को इसके बारे में बहुत साफ हिदायत हैं, बहुत साफ बातें कही गई हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा है, बहुत सारी अहादीस हैं इस सिलसिले में, बहुत सारी हिदायत हैं इस सिलसिले में। अल्लाह के रसूल ने तो बाज रिवायात के मुताबिक वो कहा, जो अपने पड़ोसी की खबरगिरी नहीं करता, अपने पड़ोसी से सही सलूक नहीं करता, वो तो मोमिन ही नहीं है। किसी हदीस में यह है, एक हदीस में, मुसनद अहमद की एक हदीस में जिक्र आता है कि एक औरत बहुत नमाज, रोजा, परहेजगार और नफिल पढ़ने वाली है, लेकिन उसके बारे में मशहूर है कि वो अपने पड़ोसियों से बहुत बदजुबानी करती है, सही से पेश नहीं आती। अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नमी है। एक हजरत, एक मुस्लिम की रवायत है, उसमें अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, उनके सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जब भी कोई सालन बनाए, जब भी कोई खाना बनाए, तो उसमें सालन बढ़ा लिया करें, उसमें इजाफा कर लिया करें और अपने पड़ोसी को पहुंचा दिया करें। यह हमने लफ्ज ब लफ्ज नहीं, एक मफहूम बताया है आपको। हदीस इस तरीके से और बहुत सारी हदीस हैं। मुसलमानों के लिए तो यह जरूरी है कि वो पड़ोसियों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको मुकल्लफ बनाया गया है, वो उनके ईमान का सवाल है। कई जगह कहा गया है कि वो मोमिन ही नहीं है, कई जगह कहा गया है कि उसके ईमान पर शुबा है। बहुत सारी बातें कही गई हैं कि जो पड़ोसियों पर ख्याल नहीं रखते, पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करते, पड़ोसियों की बातजफ नहीं करते, पड़ोसियों की देख रेख नहीं करते, यही सब आता है। उसको पूछते नहीं कि वो किस हालत में है, उसको देखते नहीं कि उसकी किस सूरत हाल में है, उसकी परेशानियां क्या है, उसकी खबर नहीं लेते, वो कोई भी हो, तो मुसलमानों का ईमान पर शुबा है। मुसलमान ऐसे नहीं होता। मैं दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मुसलमानों को अपने मोमिन होने का सबूत देना चाहिए, अपने पड़ोसियों की खबर लेते रहना चाहिए, कुछ बनाए खाए तो वक्तन फोक्तन पहुंचा देना चाहिए। यह नबी की सुन्नत भी है और आपके मोमिन होने का सबूत भी है। तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। इसके अलावा और भी जो हिंदुस्तानी माशरे में हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसको सुन्नत की हैसियत से अपनाइए, ये हमारे नबी का सेवा है और उन्होंने मुसलमानों को बताया है, लेकिन अगर आप भी कर लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। चाहे जो पड़ोसी हो, जिसको भी आप उसकी खैरियत दरियाफ्त करते रहें, जो रिश्तेदार हो उसकी खैरियत दरियाफ्त करते रहें, उसके सुख दुख में काम आते रहें, ये एक तरीका है, ये एक पहलू है। इससे खुदकुशी की रेट को बढ़ने से बचाया जा सकता है। 2020 में जो जितने बुरे हालात थे, उससे बुरे हालात अब भी हैं। इसलिए इस तरफ ध्यान दें, ताकि बहुत सारी जिंदगियां जो मरने के दहाने पर हैं, बहुत सारी जिंदगियां जो डिप्रेस हैं, बहुत सारे लोग जो इस तरीके के ख्यालात अपने जहन में ला रहे हैं, वो इससे बाज आएं, उनको थोड़ा वक्त दें, उनसे थोड़ा वक्त लें, उनको कुछ खिलाए पिलाएं, उनके साथ गम और खुशी शेयर करें, अपने में शरीक करें, आगे अगल बगल बैठें, थोड़ा इससे अच्छा होगा। सोशल मीडिया पे जो वक्त खर्च करते हैं, उससे आप कोई सोशल नहीं हो रहे हैं, कोई सोशल वर्क नहीं हो रहा है, ना आप सोशलाइज हो रहे हैं, बल्कि और ज्यादा आप डिप्रेस में जा रहे हैं। डिप्रेस से निकलना है तो सोशल मीडिया से निकलिए और लोगों को बराह रास्त एकदम बिलवास्ता उनसे मिलिए, डायरेक्ट उनसे कनेक्शन रखिए, डायरेक्ट उनके हाल चाल दरियाफ्त कीजिए, उनसे मिलिए, इसी में भलाई है। पहले खुदकुशियां इसीलिए कम हुआ करती थी कि लोग आपस में मिलते जुलते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे, पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सबसे उनकी खैरियत दरियाफ्त किया करते थे, उनके दुख दर्द में शरीक हुआ करते थे, उनके साथ खड़े होने वाले होते थे। इसीलिए जब किसी की नौकरी चली जाती थी, घर लूट जाता था, जल जाता था, कुछ हो जाता था, तो लोग खुदकुशियां नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि हमारे पीछे हमारे पड़ोसी,
हमारे रिश्तेदार हमारे साथ खड़े होने वाले हैं, हमारे बैक में सपोर्ट है। लेकिन अब यही सपोर्ट खत्म हो गया है। किसी की नौकरी चली जाती है, उसको मालूम होता है कि हमें कोई एक वक्त खाना खिलाने वाला नहीं है, इसलिए वो खुदकुशी कर लेता है। उसको मालूम है कि हमारी बच्चों की फीस जमा करने में कोई हमारी एक महीने की मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो खुदकुशी कर लेता है। वो जानता है कि हमारे बीवी बच्चे हमारा साथ नहीं देंगे, इसलिए खुदकुशी कर लेता है। तो ये सब चीजें पहले थी, उन्हीं चीजों को बहाल करने की जरूरत है। पड़ोसियों के काम आए, रिश्तेदारों के काम आए, आपस में एक दूसरे के काम आए, इससे परेशानी घटेगी, खुदकुशी रेट कम होगा। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान दें।